ओके सो आज हम लोग चालू करेंगे मोशन इन 1D। बट बिफोर वी स्टार्ट मोशन इन 1D, आई वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? चेंजिंग पोजीशन विद चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, लिटिल बिट मोर इज नीडेड। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? शी इज राइट 90%, 10% इज स्टिल रिमेनिंग। व्हाट इज मोशन? यस, बट एम आई इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू यू? नो। विल आई बी इन मोशन? विल आई बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू समवन हु इज मूविंग? यस, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब हम लोग मोशन की बात करते हैं, वी हैव टू फर्स्ट टेक सम रेफरेंस पॉइंट, सम ओरिजिन। ओके, तो जब हम लोग 1D मोशन की बात करेंगे तो वी रिक्वायर ओनली वन एक्सिस। सो इट इज सफिशियंट फॉर अस टू हैव ओनली वन एक्सिस हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1D मोशन। फॉर 1D मोशन आई विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ओनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, तो विल हैव टू टेक सम ओरिजिन। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है ओ जीरो, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? पाथ कवर्ड एंड शॉर्टेस्ट पाथ। गुड, सो लेट अस से, लेट अस मार्क सम पॉइंट्स ऑन दिस एक्सिस। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 3 पे गया, फिर 1 पे आया, फिर वापस 4 पे गया। व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ कवर्ड इज हाउ मच हियर? 3 प्लस 2 प्लस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 4। यस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, दैट इज पोजिशन वेक्टर, राइट? ओके, देन डिपेंडिंग ऑन दिस एंड वन मोर थिंग इज देयर, ऑफ कोर्स डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गुड, so depending on whether we are talking about distance or displacement, we can define what is speed, distance upon time. Okay, I am expecting little more than what you have said, distance upon time. So it is actual path covered. That is actually distance, yes, but this is important upon time, total time, total time लिखना चाहिए मैंने। Why? We'll come to know later. You must have seen four different categories of speed: average speed, instantaneous speed. Then, have you heard of something called as uniform speed? What is uniform speed? नहीं, आई वॉन्ट टू नो, आपने क्या बोला, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आई वॉन्ट टू नो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? टाइम इज इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस इज कांस्टेंट। देन देयर इज नो स्पीड। डायरेक्शन एंड डायरेक्शन की बात ही नहीं की, दिस इज स्पीड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी एज ऑफ नाउ। सिंपल है, इसलिए दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम बेसिक्स। मैंने इसलिए यहाँ पे मार्किंग किए थे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट मूविंग इन वन डायमेंशन। अगर हर एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में पार्टिकल क्या कर रहा है, ये हर एक सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? सेम डिस्टेंस। व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों इंपॉर्टेंट है समझेगा आगे। देन यू हैव लर्न समथिंग कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
What is non-uniform speed? Unequal distances and equal interval of time, that is non-uniform speed. Good. Then, what is average speed? Total distance covered upon total. Yes. So it is total distance. V average is total path length upon total time. So total distance upon total time. Right. Can you give me an example of this? You're going from one city to another. Right. Up. यहां से निकले एंड यू आर गोइंग टू सम अदर सिटी और आपको फॉर एग्जांपल यू टुक 1 आवर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज वाज 60 किलोमीटर व्हाट वाज योर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दैट इज व्हाट यू से इज एवरेज क्यों एवरेज बिकॉज़ वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट बीच में क्या हुआ बीच में कहीं रुके थे क्या डोंट केयर बीच में एक्सीलरेट किया डीएक्सीलरेट किया वी डोंट केयर सो इट इज जस्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम by the way, notation. This is denoted by delta S by delta T. What is instantaneous speed? Speed at a particular time. Speed at a particular instant of time. For example, जैसे मैंने बताया कि from city A to city B, you took 60 minutes. If I want to know what was the speed exactly at 25th minute, that is instantaneous. For example, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते स्पीडोमीटर पे ध्यान दिया. That is instantaneous, है ना? Right. तो instantaneous speed के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? To find out instantaneous speed. And by the way, normally जब हम लोग बोलते हैं speed, we are talking about instantaneous speed. You have to take limit of average speed. As time interval is shrinking, it is becoming small. Right. Iska matlab ye hoga aapka limit delta S by delta T as delta T tends to zero. Isko hum denote karte hain ds by dt. Matlab hum log kar kya rahe hain? Basically A se B jaate time humko 60 minutes lage. Humko 25th minute pe speed chahiye tha. This is 25th marking. So what I'll do is मैं यहाँ पे 24 और 26 एक छोटा टाइम इंटरवल ले रहा हूँ उसको और स्मॉल कर रहा हूँ क्यों बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच दैट पर्टिकुलर वैल्यू विच इज एट दैट इंस्टेंट ओके सो दैट इज वाई यू राइट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो लिमिट्स पता होना चाहिए मैथ्स का ओके देन आफ्टर दिस यू मस्ट हैव वेंट थ्रू वॉट इज वेलोसिटी What is velocity? Displacement upon time. So in velocity also you must have heard of the same uniform velocity. What is uniform velocity? Uniform speed आपने बताया. When time right velocity is a vector quantity, right? This speed was scalar quantity. What is extra here? Direction. So when a particle covers equal distance in equal interval of time in the same direction, in a given direction, direction is also not changing. Direction change hua, then you cannot say it is. Yes. So it is in the same direction. Then non-uniform velocity. Unequal distance. Yes. There are two ways of defining it. If a particle is covering unequal distances in equal interval of time in the same direction or if it is covering equal distances in equal interval of time but direction is changing that is non-uniform velocity then you must have read about what is average velocity so v average bar since it is a vector quantity displacement upon time so and delta x by delta t correct hai ki correct hai is it correct is this equation correct yes time vector quantity hota hai ha
टाइम वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है यू कैन गो बैक इन टाइम बिकॉज यू विल हैव माइनस टी वैल्यूज ऑल्सो. कैन वी गो बैक इन टाइम? नो वी कैन नॉट. तो ये ध्यान रखना. दूसरा इंपॉर्टेंट इज दिस डेल्टा एक्स इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. इट इज ऑलवेज लाइक दिस, राइट? ओके. सो एंड दिस पोजिशंस आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब कोई एक ओरिजिन सेट कर लिया, वहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग. देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वी बार इज अगेन लिमिट एज डेल्टा टेंड्स टू जीरो. डेल्टा एक्स बार बाय डेल्टा टी दैट इज डी एक्स बार बाय डी टी. It is the same thing, value of velocity at a given instant of time in a given direction. Okay, right. Then, what else will we need? Acceleration. फिर हमको graph देखने हैं. By the way, before I talk about acceleration, I would want to go through some graphs. Velocity टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम बोल दो, क्योंकि इनिशियली वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीड विदाउट कंसीडरिंग डायरेक्शन. फर्स्ट व्हाट यू शुड नो इज स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन मिलती है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज मतलब डीवी बाई डी टी, करेक्ट. स्लोप ऑफ दिस, यस, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, ओके, करेक्ट. सो दैट इज नथिंग बट टैन थीटा. पता है टैन थीटा कैसे आता है? ओके, सो आई विल नॉट गो इन टू इट, राइट? सो ये लाइन फॉर एग्जाम्पल, आई विल जस्ट इरेज दिस लाइन नाउ, एंड this line will make some angle with respect to time axis, right? So tan theta is nothing but slope, is nothing but acceleration. Good. This is one thing you should know. But is this the only thing that we get from vt graph? Is this the only thing that you can obtain from vt graph? Yes. Area under the curve gives you distance or displacement depends on the curve, or depends on whether you are plotting velocity against time or speed against time. तो अगर मुझे देखना है कि A से B point के बीच में कितना distance cover किया body ने, तो I just take this area under the curve. So distance or displacement will be area under the curve of VT graph. Area under the curve. Yeah, important hai. I am going to take many examples on this area under the curve. Good. Then I would like to know from your side, how does the graph of you all sitting here between 10 to more or less 12, so I will say between T1 to T2 time, looks like? Velocity time graph of you. Are you moving? Mm-hmm. No, very good. So how does your graph look like? Kyunki maine yahan pe parallel to x axis. So you want to say like this? Mm-hmm. Correct? No. So this is where normally students make mistake. Normally we start 1D motion with which graph? Displacement time graph. Okay, good. So anyway, so I'll just change small things here.
तो गलती यहाँ पे होती है. लेट अस फर्स्ट प्लॉट एक्स टी ग्राफ एंड फ्रॉम एक्स टी ग्राफ यू बेसिकली गेट व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ बाय द वे वेलोसिटी. तो पोजिशन टाइम ग्राफ आपको देता है वेलोसिटी. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ओके सो यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी हियर. स्पीड या वेलोसिटी वन ऑफ दीज क्वांटिटीज. ओके अगर आप पोजिशन बोल रहे हो एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट देन यू गेट वेलोसिटी. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गेट व्हाट डू यू गेट फ्रॉम एक्स टी. मैंने अभी बताया यू कैन गेट टू क्वांटिटीज वन इज स्केलर वन इज वेक्टर. कौन सा वेक्टर कौन सा स्केलर. स्पीड एंड वेलोसिटी. गुड. ओके सो हियर वी गो. नाउ आई वुड वांट टू नो हाउ डज ग्राफ ऑफ यू सिटिंग हियर बिटवीन T1 and T2 looks like on this XY XT plane. Parallel to time axis. Matlab, your position is, let us say, X equal to 2 with respect to me. I am origin here, frame of reference. Is this graph correct? Correct hai graph? Nahi. Why? क्यों करेक्ट नहीं है. 10 बजे से पहले आप कहां पे थे. तो जब मैं T1 और T2 यू नीड टू सी वेयर आई एम प्लॉटिंग टाइम. 10 बजे से पहले आप यहां पे थे क्या. नहीं तो फिर हाउ कैन आई एक्सटेंड दिस लाइन बियॉन्ड. या तो फिर मुझे T1 को यहां लिखना पड़ेगा. राइट. तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. यू आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकल विच इज एट रेस्ट बिटवीन टाइम T1 एंड T2. इट मे मूव आफ्टर दैट और बिफोर भी मूव ही हो सकता है. करेक्ट. क्लियर. तो आई कैन हैव सच अ ग्राफ. तो ये ध्यान देना दैट यू आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन टू गिवन इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. तो पोजिशन इज कॉन्स्टेंट. सो इन जनरल इफ आई टॉक इन जनरल मैं बोलता हूं कि देर इज अ पार्टिकल विच इज नॉट मूविंग एट ऑल. वो मूव हो ही नहीं रहा है. तो उस केस में इन दैट केस यस यू हैव दिस ग्राफ. देन इट इज करेक्ट. इट इज नॉट मूविंग एट ऑल. है ना. जैसे आपके बुक्स सालों तक पड़े रहते हैं कोने में. नो वन ओपन्स. सो दैट इज फॉर देम. राइट. सॉरी बट दिस इज द वे ऑफ लर्निंग थिंग्स. तो मुझे पता है हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड. I was also a student once. I am also a student now, by the way. Anyways, can you tell me how does the graph of a particle moving with constant velocity looks like constant speed? Abhi humne bataya tha. How do you define constant ya fir uniform speed? Uniform velocity when a particle covers. So how do we plot marking? Straight line. Yes, good. Straight line passing through origin. क्यों आता है? क्योंकि मैंने अभी बताया time zero पे particle यहाँ पे main पे time 1 second particle is at 1 time 2 second particle is at 2. So that is why you have to understand right from very basic. मैं इसलिए बताता हूँ that it is. You have to know that uniform speed is nothing but when a particle covers equal in distances in equal interval of time, that becomes a straight line. It may or may not pass through origin. क्यों? हो सकता है particle ने x equal to 1 से start किया हो. हो सकता है particle ने x equal to 2 से start किया हो. हो सकता है particle ने x equal to -1 से start किया हो.
right? So this is how it looks like. Then now I would want to know, एक ग्राफ लेता हूं एंड ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? टाइम कॉन्स्टेंट है, टाइम इज नॉट चेंजिंग बट पोजिशन इज चेंजिंग, व्हाट डज दैट मीन? What does that mean? Position time graph से क्या मिलता है? Velocity या speed, जो भी velocity let us say. How do you find out velocity slope of the line, right? मतलब tan of theta, मतलब tan of 90. What is tan 90? Infinity. That means this is a case which is not practically possible. या फिर in terms of physics सोचना है आपको, तो at a given instant of time the particle is at many places, है ना? T equal to 2 seconds पे, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है. Is it possible that you are here also and at your home also at the same time? हाँ, तो practically impossible case है ये, right? तो why it is important समझेगा. अभी last year NEET का question था, तो उसमें ऐसा ही एक graph आया था, तो you can just by looking you can answer it कि कौन सा option correct है, वो समझेगा आपको, right? So what does this mean? And by the way, अगर मैं यहाँ पे y लिखता हूँ, यहाँ पे x लिखता हूँ, this is a function na, x is a function of y, ya fir y is a function of x, dono cheeze y is a function of x. Can you tell me exact relation between y and x? X square kaun sa curve hai, ye kaun sa conic section hai? Which is this curve? नहीं नहीं, parabola. अभी जिनको modules मिले हैं, कम से कम you should have opened it and it is y equal to some constant k into x square. Correct. By the way, ये पता होना चाहिए. तो ये भी काम का है mathematics. अब मुझे mathematics छोड़ दो. Let us go into physics. Tell me. What is the meaning of physical meaning of this curve? Hint: V is tan theta. This is the hint. Another hint: angle here theta 1 is less than theta 2. Theta 2 is less than theta 3. Angle is increasing. अगर एंगल इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज होगा? एंड एक्सीलरेशन है, बट वॉट इज इंक्रीजिंग? वेलोसिटी. सो दिस केस वेयर एंगल मतलब थीटा इज इंक्रीजिंग टेल्स यू, इट टेल्स यू वॉट? इट टेल्स यू दैट वी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स देयर इज acceleration and there is positive acceleration. So in short, a graph bending towards position axis, it is bending towards position axis na, agar bend nahi hota to ye aisa straight line hota. It is bending towards position axis tells you what? There is positive acceleration, matlab velocity is increasing. Okay, so if I take another graph over here, the one in the red, what does that tell me? Negative acceleration. Negative acceleration. मतलब क्या?
रिटार्डेशन मतलब हम तो पोजिशन टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग राइट. ओके सो दिस रेड कर्व मीन्स वी इज डिक्रीजिंग. तो आई विल कॉल इट एज सेकेंड कर्व. फॉर सेकेंड कर्व वी इज डिक्रीजिंग, दैट इज डीएक्सेलरेशन बेसिकली. तो डजंट मैटर रिटार्डेशन डीएक्सेलरेशन जो भी आप बोलोगे doesn't matter. This is for curve 1 and 1. Okay, so next graph that is important to us, all this will be used for solving numericals. What do you understand by this? Of course, position against time. What is the meaning of this? Position time से पहली चीज हमको मिलती है, that is velocity. Acceleration के बारे में बाद में बोलेंगे, अगर velocity increase हो रही है then we can say something, but here decrease, right? Okay, velocity is decreasing, ठीक है, but what you can say physically, what you can say time axis पे, x axis पे कौन सी वैल्यू जीरो होती है? y की वैल्यू जीरो होती है. अभी समवेयर ओवर हियर a पॉइंट पे पोजीशन जीरो हो गया, मतलब दिस ग्राफ टेल्स यू व्हाट, द पार्टिकल इज गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिन. ये दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फिजिक्स, क्योंकि हमको फिजिक्स पढ़ना है, वी आर नॉट रियली into mathematics. So this you need to know, if theta is greater than 90 degree, the value of tan theta will, which is sine upon cos, sine ya cos mein se ek to negative hoga because we are in second quadrant mein cos negative hota hai, iska matlab ye hota hai ki definitely velocity is negative. Negative velocity ka matlab kya hota hai, that the particle is going back to its original position, that is origin, right? Okay, so the particle returns to its point of reference, to origin. That is what was important. Okay, then next graph okay. So if I have something like this, what does this graph tells us? Yes. Yes, that means the particle is changing velocity after certain interval of time. Na? So with time velocity, pehle velocity is increasing uniformly, then it is constant, then it is decreasing uniformly, then it is constant. Good. What does this mean? अगर ये आप बता पाए तो इस साल या लास्ट ईयर नीट का +4 मिल जाएगा आपको. Think reasonably.
थोड़ा और सोचो। ये वही बताता है दैट यू कैन नॉट बी एट टू डिफरेंट पोजीशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कैसे? इफ आई टेक एनी वैल्यू ऑफ टाइम, आई और पार्टिकल कैन नॉट बी हियर एज वेल एज हियर एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। करेक्ट? तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस। सो दिस इज इम्पॉसिबल। एंड हाउ, कैसे आपको प्लस फोर मिलेगा अगर ये समझेगा तो? क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में ये ऐसा ग्राफ दिया था। करेक्ट? हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो एक ही टाइम पे तीन जगह पे है पार्टिकल, कैसे होगा? नहीं हो सकता। करेक्ट? देन लास्ट थिंग, लास्ट ग्राफ दैट इज इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस फॉर द केस अंडर स्टडी, इट इज इम्पॉर्टेंट। Okay. What is the meaning of this graph? ऐसा भी क्वेश्चन आया था, थोड़ा मॉडिफाइड। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज करेक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ मोशन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस। First towards the particle is coming towards the point of reference and then going away, right? Class ke liye nikle, fir yaad aaya, book to bhuli gaya. You, kyunki home reference hota hai. Mera ghar mera reference hai. To aapka ghar bhi aapka reference hai. For example, to aap ghar se nikle the, koi ek position pe pahunche honge. I'll mark this as some reference position R. Some position. फिर वापस घर पे गए क्योंकि we forgot to take something and then we are moving away from reference. This is what it means, right? So if you know this much, we can move ahead with next case, next topic. That was, if I am not wrong, acceleration. या फिर पहले velocity time graph complete कर ही लेते हैं. So it is related to acceleration itself. तो चलो कोई बात नहीं, फटाफट हो जाएगा. What is the first type of acceleration? You know, uniform. What is the meaning of uniform acceleration? Particle is changing velocity equally in equal interval of time. मतलब पहले एक सेकेंड में अगर 1 meter per second से चेंज हुआ तो अगले एक सेकेंड में 1 meter per second से ही चेंज होगा, अगले एक सेकेंड में 1 meter per second से चेंज होगा, राइट? सो द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन अ पार्टिकल इज चेंजिंग वेलोसिटी अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ऑफ कोर्स डायरेक्शन भी मैटर करेगा यहां. व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? So it is delta V bar by delta T, that is V final minus V initial by T. ये कहीं देखा है हम लोगों ने, राइट? करेक्ट? चलो बाद में देखेंगे कहाँ पे देखा, वो भी देखेंगे बाद में. What is instantaneous then? Divinity. Instantaneous velocity is just acceleration, is just the acceleration at a given instant of time. मतलब उस particular second में कितना velocity में change हुआ. For example, the change in velocity in 5th second was 10. So 10 meter per second square. Particular एक second में कितना change हुआ, that is denoted by dv by dt. Right. Okay. Then ये easy था. What we need is graph. क्योंकि वीटी ग्राफ से हमको दो चीजें मिलती है. मैंने ऑलरेडी बताया आपको व्हाट टू थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम वीटी ग्राफ. आपने खुद ही बताया था मुझे, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. गुड, तो आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स नाउ,
We'll quickly go through what is required. A. Now I again want to know what is the graph of, I mean, this is simple. Iska matlab kya hota hai? Constant velocity. Velocity is not changing with time. Okay, then इसका क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन. ओके, बिकॉज थीटा इज कॉन्स्टेंट, स्लोप इज कॉन्स्टेंट. एरिया अंडर द कर्व, व्हाट विल एरिया अंडर द कर्व गिव मी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दोनों. क्यों दोनों? हाँ, तो इस केस में दोनों मिलेगा ना. इस केस में यू सी, इस केस में एरिया अंडर द कर्व मतलब ये एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देगा. क्यों दोनों देगा? मैग्नीट्यूड दोनों. अबाउट मैग्नीट्यूड, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बेसिक डिफरेंस, शॉर्टेस्ट पाथ. अभी मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया and I am moving only in the same direction. जब तक direction change नहीं होता तब तक displacement और distance equal होता है, correct? तो इसका area under the curve will give me both and both are same. That is what you need to understand. Good. So what does this mean? क्या मतलब होता है इसका? हाँ, मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस. क्यों? एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम यू हैव मेनी वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन इज इनफिनिटी, सो यू कैन नॉट हैव सच थिंग्स. ओके, देन व्हाट डज दिस मीन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. व्हाट डज दिस मीन? नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन. ओके, गुड. थोड़ा चेंज कर देते हैं अब फिर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? What does this mean? What does this mean? Acceleration is not negative basically. Why not? How do you find out acceleration? Slope of graph, मतलब tan theta. हाँ, तो theta तो हमेशा 90 से कम ही होगा ना. Doesn't matter if I measure angle here और हियर, बराबर है क्या? करेक्ट है ना? तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही है. देयर इज ओनली एक्सेलरेशन, देयर इज नो रिटार्डेशन हियर. तो व्हाट डज दिस पर्टिकुलर ग्राफ मीन? नहीं 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 नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव. ये ना इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव से चालू हुआ. व्हाट डस दैट मीन? हाँ, ओरिजिन से पीछे था पहले. तो इसका मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने जहां से स्टार्ट किया वहां पे सेट नहीं किया है, पीछे से स्टार्ट है. मतलब आपका, फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर, माई रेफरेंस इज देयर एंड आई वॉन्ट टू गो इन द अपोजिट डायरेक्शन. So this is what it means. So reference, chalo koi baat nahi, itna sufficient hai. That's it, we don't need any more graphs now. Sufficient, and we'll talk about this in detail later. Now what is important is equations of motion. I want equations of motion in both form, scalar as well as vector. So which is the first kinematical equation that comes to your mind?
v equal to u plus at. Half truth basically, why I told you a is equal to d v by dt, aisa likha tha. मतलब v final minus v initial upon t final minus t initial. हाँ, why half truth? Why half truth? Because v final का v बोलते हो, इसको u बोलते हो. आप normally initial time को zero set करते हो, इसलिए आपका आता है a is equal to v minus u by t. मतलब v is equal to u plus at आता है वो, right? So you always have to remember that it is not always कि आप initial time zero set करोगे, जरूरी नहीं है. Anyways, vector form easy है इसका, सब पे नहीं लगा सकते. हाँ, correct. Okay, then v square equal to u square plus twice as. What is vector form of this? What is self dot product? One तो unit vector के लिए आएगा ना, i cap dot i cap. Self dot product is square. Square, right? तो इसका मतलब v bar dot v bar equal to u bar dot u bar plus 2 a bar dot s bar. Right? Correct है? Correct ही है वो basically. थर्ड यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेर एस बार इक्वल टू यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वेर. यहां पर टी स्क्वेर को टी बार डॉट टी बार नहीं लिखना. नेक्स्ट देर आर फाइव. Distance traveled by a particle in n seconds. Initial velocity plus a by 2 into 2n minus 1. Correct? But wait a minute. Sn मतलब meter में, u मतलब meter per second में, half a by 2, a is meter per second square. N तो number ही है, क्योंकि you are talking about some instant of time and n is some value. 5 सेकेंड 4 सेकेंड, इट इज जस्ट अ नंबर, 4 3 5 जो भी होगा. डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है ये इक्वेशन, तो हाउ यू कैन से दैट इज करेक्ट इक्वेशन? हाउ इज इट करेक्ट? हाउ इज दिस इक्वेशन करेक्ट? बिकॉज दिस इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट. कब यूज करोगे ये इक्वेशन? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन nth सेकेंड, दैट मींस 5 to 6, लाइक लेट अस से 5th सेकेंड. हाउ मेनी सेकेंड? 1, है ना. 7th सेकेंड हाउ मेनी सेकेंड? 1. मतलब 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है. हाँ, तो मतलब यहां पे ऐसा है कि टाइम है, है हर जगह पे है, बट उसकी वैल्यू 1 1 1 है, तो ये डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट नहीं है. सिर्फ वो 1 था इसलिए लिखा नहीं, टी की वैल्यू 1 थी, दैट इज व्हाई वी डोंट राइट. गुड, तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं करना, नहीं तो गए. डज इट हैव एनी वेक्टर फॉर्म? यस, एस बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार बाय 2 2n माइनस 1. और एक इक्वेशन है एवरेज के लिए, यस, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी. ओके, एंड दिस इज एस बार इक्वल टू यू बार प्लस वी बार अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टी. करेक्ट. उसके बाद हमको क्या लगने वाला है इसमें? रिलेटिव मोशन में, 2D मोशन में कंबाइन करने वाला हूँ, मतलब वो बोट और रिवर का प्रॉब्लम जो होता है वो.
motion under gravity, that is free fall. So next thing that we require is free fall. Motion under gravity है, free fall है, right? तो normally इसमें क्या होगा, आपको बोलेंगे you have an object which is dropped from some height, okay? Dropped from some height. तो जब dropped की बात आती है, मतलब initial velocity becomes zero, right? Okay, which means v is equal to gt, क्योंकि v equal to u plus at था, u zero हो गया, a is g, क्योंकि object को नीचे आना है तो gravity की वजह से ही आएगा वो, otherwise it cannot come, right? और एक equation बनेगा v square equal to 2gh, where h is height, t is time taken to reach ground. और एक equation बनेगा s is equal to half gt square, right? और s की जगह पे because I am using h, तो I will just put a h over here. Doesn't matter आप s लिखो h लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो what does this tells me is t square is equal to 2h by g. That tells me t is under root of 2gh, 2h by g मतलब. So this is the time taken for the object to reach ground. What is more important, what I really want from you is to tell me how does the graphs look like. Okay, motion can be best explained with the help of graphs. तो मैं एक काम करता हूं, है तो वही जो हमने सीखा. The same thing is here. So if I have s over here and t over here, what was the equation? Yaad hai kya? S equal to half gt square. Yaad hai? S equal to half gt square ya at square, jo bhi likhna chaho, x bhi likh sakte ho, doesn't matter. How this graph will look like? y और ये x square है ना, time मतलब x, s मतलब y, some constant, parabola, very good. तो आपको पता है कि ये graph, अच्छा parabola है, ठीक है, is like this, ऐसा नहीं, ये ऐसा parabola होगा, good. Then what will the graph of v against t will look like? Nahin. How come upward? Look at the equation. V equal to u plus at. U is 0, a is g. V equal to gt. What is v equal to gt then? Straight line passing through origin. What is the value of slope here? Constant. What is the value of slope here? What is the value? What is the value of slope? G. 9.8. क्यों, कैसे लिखते हो आप? Y equal to mx ना? तो y equal to slope into x. हाँ, तो value of g here. Yeah, slope here is 9.8. By the way, अभी कर ही रहे हैं तो वो एक ग्राफ क्यों छोड़ दो? This because this will be notes for you. It will be uploaded. तो इसको भी मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ. S equal to 1/2 gt square. Other things you will find in any standard modules. मिल जाएगा. Okay. कौन सा ग्राफ रह गया अब? There is one graph which is still pending. कौन सा था? हाँ, easy है ये. What is this? Acceleration against time for a free fall. Constant. And what will be its value? 9.8. क्योंकि a is equal to g है, okay? And remember this is for a free fall.
फ्री फॉल है, वर्टिकली ऊपर नहीं फेंका हमें, नीचे आ रहा है. ओके, तो ए इक्वल टू जी. बाकी की चीजें हम लोग कवर कर लेंगे. ओके, सो बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, ये भी ले लेते हैं. एनीवेज देन वी विल सी बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. बताओ इक्वेशंस ऑफ मोशन बताओ मुझे इस केस में. I have a body projected vertically upwards. I want to know equations of motion. I want to have equations of motion. U minus gt. V equal to u negative. अब एक क्वेश्चन ये है. मैंने एक हाइट से ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, फिर वो नीचे ग्राउंड पे गया. पर एक हाइट से थ्रो किया था, नीचे ग्राउंड पे गया, राइट? इस केस में ए इक्वल टू प्लस जी या फिर माइनस जी, क्योंकि ऊपर गया, आपने बोला माइनस जी अगेंस्ट ग्रेविटी. फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव. सो फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू मैक्सिमम height, what happens at maximum height, velocity, what is the zero? Or that point onwards, A will be positive G. मुझे ये दो cases करने पड़ रहे हैं, from A to B, from B to ground, correct? A to B, B to C, let us say. पर मुझे time बचाना है, I want to solve this question in one single equation, right? तो I will take this as initial position. ग्राउंड एज फाइनल पोजीशन. तो उस केस में ए की वैल्यू प्लस जी या माइनस जी? माइनस जी. व्हाई? इनिशियल हमेशा देखना, इनिशियली द बॉडी इज गोइंग अप. होता है सॉल्व. यू डोंट हैव टू मेक टू केसेस ऑलवेज. तो वी विल टेक दैट एग्जांपल. बाय द वे, दिस इज नॉट द ओनली इक्वेशन दैट यू गेट. व्हाट इज S equal to ut minus half gt square, v square equal to u square minus 2ghs, जो भी लिखना चाहो वो. Distance traveled in n second, Sn is equal to u minus g by 2n minus 1. Correct. And for maximum height, you can just put v equal to 0. So for maximum height, for h max, you will put v equal to 0, or v equal to 0 will give you u equal to gt, hai na? 0 equal to u minus gt, so u equal to gt. Also here, if I put this as 0, I will get u square equal to 2gh. Fir aap iska graph aur iska graph plot kar sakte ho. Important hai, questions hai ispe. So we are not going into graph plotting now. Done. Let's go and solve numericals. तो इतना आपको motion in 1D में पता होना चाहिए, right? So we are starting with neat questions that appeared in previous exams. फिर बाद में मैंने कुछ JEE के भी उठाए हैं, because I want you to also think little mathematically, right? First question, thoda sa scanning proper nahi hua hai, so doesn't matter really. So what does it tell you? A toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E bar. Hamare paas एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पर एक टॉय कार है, उस टॉय कार पे हमने चार्ज क्यू रखा हुआ है, राइट? एंड इट इज केप्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से इन दिस डायरेक्शन, ड्यू टू द फोर्स. व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके,
तो बेसिकली आपको ऐसा याद है f इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 अगर एयर या वैक्यूम है तो. ओके जस्ट अ मिनट. या ओके सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. स्टैटिक बिकॉज चार्जेस आर एट रेस्ट. इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस. बाय द वे इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि एक चार्ज जो है दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. मैं इसको बोल देता हूँ Q1. अब इसको मैं बोलता हूँ Q1 और आई विल कॉल इट एज सोर्स चार्ज. हर एक चार्ज के सराउंडिंग रीजन में देयर इज अ रीजन वेयर इफ यू ब्रिंग अनदर चार्ज इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो उसके फील्ड में, किसकी फील्ड में? Q1 की फील्ड में हम दूसरा चार्ज लाए Q2 कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज. दिस टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स. बाय द वे तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को स्प्लिट कर लूंगा. फिर मैं बोलूंगा फोर्स ऑन विच चार्ज वी आर टॉकिंग अबाउट? टेस्ट चार्ज. फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज मतलब Q2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ विच चार्ज? Q1 मतलब सोर्स चार्ज इनटू, करेक्ट? अभी ऐसा याद रखोगे तो कभी भूलने का कोई काम ही नहीं है. तो व्हाट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी ड्यू टू अ चार्ज और इट मे बी एक्सटर्नल फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज. ओके सो कीप इट हियर. Yes. So, the idea is pretty simple. हमारे पास according to the question we have a toy car जिसपे एक charge डाला है और एक electric field में रखा है उसको. तो ये electric field क्या करेगा, इस पे एक force exert करेगा and that force will be given by Q into E bar उन्होंने बोला है, right? So, due to this force its velocity increases from 0 to 6 meter per second. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द कार विल स्टार्ट मूविंग. तो 0 to 6 इन 1 second ड्यूरेशन. एट दैट इंस्टेंट, एट विच इंस्टेंट? 1 second के बाद. व्हाट हैपेंस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स. मतलब मैंने फील्ड को अब उल्टा कर दिया. फील्ड को उल्टा करने से क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन उल्टा करने से क्या होगा? What will happen if you reverse? Velocity कम होगी, that is correct. Imagine एक vehicle आ रहा है. पहले आप vehicle को यहां से push कर रहे थे, velocity बढ़ गया 0 to 6. अब आप उसको उल्टे direction से push कर रहे हो, क्या होगा? पहले तो velocity कम होगा, correct? मतलब 0 to 6, 6 to 0 होगा, करेक्ट? राइट. पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आप. फिर द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds. फोर्स सेम है तो 0 to 6 के लिए 1 second लगा, तो 6 to 0 के लिए भी 1 ही second लगेगा. और यहां तो कार 2 seconds के लिए चल रहा है ना. कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds मतलब 0 to 1 second, 0 to 6, 1 to 2 seconds, 6 to 0, 2 to 3. क्या होगा? इमेजिन पहले कार पॉजिटिव में जा रहा था, करेक्ट? वेलोसिटी बढ़ते गया, फिर कम होता गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में गाड़ी मूव होगा, राइट? समझा जहां तक? अगर इतना समझा है तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इधर ओरली और ग्राफिकली. आगे पढ़ो. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3. Average velocity and average speed. So, how do we solve this question? Extremely simple question. Do I have? Yes. Okay. So, anyways, I am not going to use this one.
time velocity, correct? Maximum velocity 6, तो 0 से 6 मतलब this, ये हो गया 1 second. उसके बाद 6 से 0 ये हो गया आपका 2 second. उसके बाद और 1 second तक गाड़ी चल रहा था, minus 6 पे आएगा and this value will be 3 second, correct? Right. Average velocity and average speed. How do you find out average velocity and average speed? बताओ. Area से तो क्या? Area से तो हमको distance मिलने वाला है. Area. That is what I wanted to know. Average speed is total distance upon total time. Good. But in terms of, I am asking in terms of areas of triangle. So by the way, this is total path upon total time. So pehle ye kar lete hain. Okay. What is total path in terms of area of triangle A1, A2, A3? A1 plus A2 total distance. हाँ, तो इसलिए कभी भी डिस्टेंस निकालते वक्त मॉड वैल्यूज, दिस इज डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट विल बी जस्ट एज इट इज. A1, no, displacement, not distance. Displacement ke liye we consider direction of motion, isliye yahan pe mod nahi dalna. Right? Clear? Good. Can you quickly tell me, ye oral kyun hota hai? Exactly for A1 or A2 or A3 ka area magnitude mein same hoga. क्यों सेम होगा? बेस सेम है, हाइट सेम है. तो व्हाट यू कैन से इज मॉड ऑफ A1, मॉड ऑफ A2, मॉड ऑफ A3, व्हाट इज दिस वैल्यू? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हाफ बेस कितना है? 1 का. हाइट कितना है? 6 का. तो ओवरऑल कितना आया? 3, करेक्ट. इसमें सिर्फ A3 नेगेटिव है. ओनली A1 एंड A2 बोथ आर पॉजिटिव 3 एंड A3 इज negative 3, correct? Good. Can you solve this orally now? What is total time? Bataye total time 3 second bola, ye graph se bhi dikh raha hai. What is average speed? Mod of A1 plus mod of A2 plus mod of A3, matlab 3 into 3. How is 3 into 3? 9 by total time kitna? 3. What is 9 by 3? 3. Average speed बाद में पूछा है, पहले क्या बोला है? वेलोसिटी एंड स्पीड. एंड स्पीड, तो स्पीड 3 आना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, करेक्ट. एवरेज वेलोसिटी A1 प्लस A2 प्लस A3, बट A3 इज नेगेटिव. 3 प्लस 3 माइनस 3, व्हाट इज 3 प्लस 3 माइनस 3? 3. 3 प्लस 3 माइनस 3, क्योंकि A1 प्लस A2 प्लस A3. 3 प्लस 3 माइनस 3, 3 अपॉन 3. हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी. वी प्लस यू बाय 2 से करोगे तो भी तो वेलोसिटी, फिर डायरेक्शन देखना पड़ेगा. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. व्हेन डू यू यूज वी प्लस यू बाय 2? कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर सकते हो, बट देन व्हेन यू सॉल्व फॉर वेलोसिटी यू नीड टू take into consideration direction of motion. Because initially V was positive, then this negative. So I suggest not to do that way. Because it's wrong. Because what is it? For this part, ke liye, V is positive. Hai na? To baki yahan pe V is negative. So that is why it is not advisable to use that vector form. Ab orally kaise karte?
ओवरऑली सिर्फ इतना ही था, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 0 से 6 ओके तो मैक्सिमम 6 एक सेकंड में, अगले और 2 सेकंड के लिए हम लोग सिर्फ फोर्स को उल्टा कर रहे हैं, फोर्स का स्ट्रेंथ सेम है सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हुआ। अगर 1 सेकंड में 0 से 6 गया तो वापस 0 आने के लिए 1 सेकंड मतलब 2 सेकंड, अभी भी 1 सेकंड बचा है मतलब रिवर्स, तो गाड़ी विल स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव वेलोसिटी, करेक्ट? मतलब ये आपके पास, यू आर मेकिंग दिस पिक्चर इन योर हेड, सो 3 ट्राइंगल बन गए, लेकिन क्योंकि वी की वैल्यू और टाइम, टाइम का इंटरवल सेम है ना 0, 1, 2, 3, तो तीनों के तीनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 1 है, हाइट 6 है, डिवाइड बाई 2 है, 6/2 3 है, 3 + 3 - 3, तो पहला काम ये होना चाहिए 3 + 3 - 3 मतलब 3, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 3, 3/3, 1। तो अगर ऐसा करते तो फिर आप डेफिनेटली, आपको ऑप्शन नंबर डी और ए, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। फिर 3 + 3 + 3 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3, तो 3 × 3 = 9/3 = 3, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Priti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time T1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time T2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be T1, T2, T1, T2. Kaise? नहीं, ऐसा नहीं चलता ना। अब पहले तो जब वो स्टेबल थी, मतलब पहले एक्सेलरेटर वेलोसिटी, फिर सबसे हाँ ओके दैट इज फाइन, बट फिजिकली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एस्केलेटर का रोल होता है टू टेक यू फ्रॉम वन फ्लोर टू अदर फ्लोर, सो फर्स्ट थिंग इज दैट शी हैज टू कवर अ हाइट ऑफ h। सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए, व्हेन शी इज वॉकिंग ऑन अ स्टेशनरी एस्केलेटर हर वेलोसिटी इज v1 एंड दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन द अदर डे द एस्केलेटर इज वर्किंग एंड शी इज जस्ट स्टैंडिंग ऑन दिस एस्केलेटर, ओके शी इज जस्ट स्टैंडिंग, हर वेलोसिटी 0, एस्केलेटर वेलोसिटी v2 H upon T2, इतना पता लग गया। देन घाई थी, थोड़ा जल्दी में जाना था, देन बोथ थिंग्स शी इज ऑल्सो मूविंग, हाँ तो इस केस में v1 + v2 इज H upon T, राइट? दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द टाइम, है ना, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर, but this is t, so I will say t is equal to h, main ulta karta hu, it is better thing to do this way, 1 upon t is equal to v1 + v2 / h, 1 upon t is equal to v1 / h + v2 / h, 1 upon t is equal to v1 / h, yahan se 1 upon t1 है ना, तो ये आपका आएगा 1/T1, ये आएगा 1/T2, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/T = T2 + T1 / T1 × T2, उसका रेसिप्रोकल लोगे, ऑप्शन नंबर सी आएगा, करेक्ट, गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन 3t = √3x + 6 describes the displacement of particle in one direction where x is in meter and t is in second. The displacement when the velocity is 0 is. मतलब ऐसा है जो relation आपको दिया है, that relation describes. तो आई विल डू इट इन 2 मेथड्स, मेथड 1,
Yes, both cases differentiation, but let me just tell you how do you use mathematics. देखो ये relation हमको x और t का relation बताता है. Displacement as a function of time. Good. X is in meter, t is in second. Displacement when velocity is zero. तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले let us take square of, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, let us take root 3x is equal to 3t minus 6. Squaring on both sides, 3x is equal to 3t minus 6 का square. So 3x is equal to a square. नहीं, मैं a square नहीं करूंगा because I know derivatives. I don't want to do this thing. Because we know f of x raised to n का derivative. याद है ना? इसलिए बताया था मैंने. What is velocity? What is velocity? dx by dt. So velocity is dx by dt. ये अगर पता है, तो अगर ये पता होता तो आप directly बोलते differentiating with respect to time. तो left hand side में, चलो मैं step by step लिख देता हूँ, because this is the first question that I am taking related to derivatives. So I will not skip any step. Three constant out of derivative, constant bar, dx by dt. Good. Then, do you remember the formula for d dt of या d dx of? अगर x लिखोगे तो f of x लिखोगे, या तो फिर just like this. What was the derivative of f of t raised to n? N times f of t raised to n minus 1 into derivative of f of t. So 2 times 3t minus 6 raised to 2 minus 1 is 1 into derivative of 3t minus 6. So this is nothing but velocity. 2 into 3t minus 6, और इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा 3, और 6 का डेरिवेटिव 0, तो 3 आया, और 3 into 2 हो गया 6, तो मैं डायरेक्टली ले देता हूं 6, तो बेटर छोड़ो, बेटर रहेगा स्क्रैच इट फ्रॉम हियर. गुड, देन व्हाट दे टेल यू इन द क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0. तो हमको सबसे पहले लेट v इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा. तो मतलब v इक्वल टू 2 इंटू 3t माइनस 6 इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा. मतलब 3t माइनस 6 इक्वल टू जीरो, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी जीरो कब हुआ? 2 सेकेंड पे. सो पुट दिस t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमको पूछा है द डिस्प्लेसमेंट, तो x चाहिए ना, रूट ऑफ x नहीं चाहिए. तो पुट t इक्वल टू 2 इन 1, सो देयरफॉर यू विल हैव 3x इज इक्वल टू 3 इनटू 2 माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब 0. मतलब वेलोसिटी कब 0 हुआ? जब x इक्वल टू 0 हुआ, करेक्ट. गुड, मेथड नंबर 2. व्हाट डू वी डू इन मेथड नंबर 2 इज इन रियलिटी, अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा होगा तो यू डोंट नीड टू गो दिस मेनी स्टेप्स. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज इन शॉर्ट डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी. मुझे पता है ये जो अंडर रूट ऑफ 3x है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3x रेस टू हाफ, है ना. अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू टी है. ओके, प्लस 6, 3 dt by dt is 1, है ना. गुड, देन रूट 3 x रेस टू हाफ का डेरिवेटिव, हाफ x रेस टू हाफ माइनस 1 इंटू dx by dt. ये नहीं लिखा तो गए, ये कब पता होता है? जब मैथमेटिक्स के रूल्स पता होते हैं, करेक्ट.
right? So dx by dt. Okay, और 6 का डेरिवेटिव 0. गुड. तो आई डोंट केयर फॉर दिस कॉन्स्टेंट्स. 2 इंटू 3 6 अपॉन रूट 3. ठीक है, x रेस टू माइनस हाफ मतलब 1 बाय x रेस टू हाफ. वॉट इज dx by dt? Velocity. Velocity v. Therefore, v is equal to 6 by root 3 x raised to half. Barabar. Look at this. Velocity 0 kab hoga? Jab x ki value 0 ho gaya, to ho gaya solve. Pahli method mein kya kiya? Humne velocity equal to 0 bol ke time nikal liya. फिर वो टाइम की वैल्यू एक्स को फाइंड करने के लिए लिखी. यहाँ पे मैथमेटिकली व्हाट आई कैन सी इज वेलोसिटी जीरो होने के लिए एक्स का जीरो होना जरूरी. सो वेलोसिटी इज जीरो ओनली व्हेन एक्स इज जीरो. हो गया सॉल्व मेथड टू, राइट? दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स छोड़ना ये बहुत भारी पड़ सकता है. और नाउ यू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर योर सेल्फ. ओके, कहाँ पे 3 स्टेप, कहाँ पे लेट्स लाइक 8 स्टेप. So this is how you solve this question. Again, if the velocity of particle is at plus bt square, a and b are constants, then the distance traveled by it in between 1 and 2 seconds is distance traveled. So good, good, very good. If I have displacement, integration, जिसको नहीं पता उसके लिए, अगर हमारे पास displacement है या position है और velocity चाहिए तो हम derivative लेते हैं. अगर हमारे पास velocity है और displacement चाहिए तो उल्टा, इसलिए बोलते हैं ना integration and derivative साथ opposite, anti derivative होता है, तो integrate करते हैं. तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी हमको दिया है, हमको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है. वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा, तो क्या करोगे? डेरिवेटिव लेंगे. वेरी गुड. तो यहाँ पे हमको v दिया है, एंड व्हाट इज v? dx by dt. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? The equation which contains derivative. Does it have derivative? Yes. So this is differential equation. Okay. How do you solve differential equations of the first order? The first order, no? dx by dt ka power 1 hai. So first you check is if you can separate variables. Kaun se do variables hai yahan pe? Variable. A and B are constants. X and t. तो अगर वेरिएबल्स सेपरेट हो सकते हैं क्या यहाँ पे? हो सकते हैं ना. एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे और, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो यू कीप ओनली एक्स ऑन वन साइड एंड पुट ऑल द रिमेनिंग ऑन. दो ही तो है, राइट? देन इंटीग्रेट बिटवीन 1 and 2 seconds. बिटवीन 1 and 2 seconds. Correct? Okay. To solve this question, it is simple. You have to integrate. Integration of dx is x. पहले term का integration मैंने आपको formula बताया था. T square by 2 आएगा, क्योंकि t raise to n का integration आता है. T raise to n plus 1 upon n plus 1 plus a constant. But यहाँ पे integration definite है, क्योंकि हमको limits पता है. So we will not be using that constant of integration. So this will be simply t raised to n plus 1 upon n plus 1. So t raised to 1 ka integration aega t square by 2. Or t square ka aega t cube by 3. Between limits 0 and 1. Barabar? Nahin. 1 and 2. Good. Between limits 1 and 2. So ye aapko milega. a by 2, अपर लिमिट पहले डालो, 2 स्क्वायर इज 4,
plus b into 2 cube by 3 minus lower limit a by 2 into 1 square minus b 1 cube by 3. So upper limit minus lower limit kiya. So x equal to 2a because this is 2a. This is 8 by 3 times of b minus a by 2 minus b by 3. Easy. What is 2 minus a by 2? 2 mein se aadha gaya. 1.5. 3 by 2. This is how you should do calculations. Hai na? Nahi to cross multiply karoge. That is not how we do it. 8 by 3 mein se 1 by 3 gaya. 7 by 3 bache gaya. So plus 7 by 3 b. Option number c. Right. This is how you solve. Then, next question. Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by x of P AT plus BT square, x of Q FT minus T square. At what time do the cars have same velocity? हमारे पास दो कार है P and Q. Start from a point. मतलब they start from the same point, you can say. Okay? At the same time, एक ही time पे एक ही point से start हुए. In a straight line, 1D motion, their positions are given by position of P is AT plus BT square. Position of Q is given as FT minus T square. ये दोनों गाड़ी वापस से उनका same velocity कब होगा? क्या करेंगे यहाँ पे? How do you solve this question? Derivative. So you will say given condition is, क्या given condition है? VP should be equal to, what is VP? DXP by DT and this is DXQ by DT. Karo. Solve. This question is pretty simple. Derivatives abhi aapko quickly aana chahiye. XP ka derivative with respect to time will be A plus 2BT. Right? This will be equal to Q ka derivative F minus 2T. Hame kya pucha hai time. Hai na? Time. To time ko ek side pe rakho. Correct? To mai agar time ko positive karna padega na. I don't want negative sign. To ye aayega 2BT. प्लस 2t इक्वल टू एफ माइनस ए. क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था. एग्जैक्टली एफ माइनस ए दिखा t में खत्म, क्योंकि यहां से t कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, 1 प्लस b आएगा, एफ माइनस ए आएगा. तो t इज इक्वल टू एफ माइनस ए अपॉन 2 इंटू 1 प्लस ओरल ओरल. कैसे ओरल ओरल? वेलोसिटी इज इक्वल, ये दिमाग में होना चाहिए अब. अच्छा, x P is AT plus BT square, X Q is FT minus T square, velocity equal बोला है, VP equal to VQ, इसका A plus 2BT, उसका F minus 2T, A plus 2BT, F minus 2T, A को वहां ले गया, F minus A, minus 2 को T, T, यहां ले आया, 2BT plus 2T, 2T, 2T outside, 1 plus B equal to F minus A, T is equal to F minus A upon 2 into 1 plus B. आदत डालो. ये नीट का क्वेश्चन है भाई, दबे. ओके, तो मैथमेटिक्स लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर. द रिटार्डेशन अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म विल बी. ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में अपियर होता है. पहले बोलते हैं दैट इनिशियल वेलोसिटी इज वी, राइट. फिर वो बुलेट हमने शूट किया, एक वुडन ब्लॉक के अंदर गया, तो अपोजिशन है, रेजिस्टेंस है, तो वेलोसिटी कम होगा. ऐसा क्वेश्चन था कि एक्स डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी हो गया यू बाय टू, तो और फर्दर कितना पेनिट्रेट होगा. ऐसा क्वेश्चन पहले आया है, उस केस में आंसर था 1 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट. करेक्ट करेक्ट. हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है
The velocity of the bullet is reduced from 200 to 100 while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter. Good. The retardation will be, ye to question kuch hai hi nahi basically. This is half part of what was asked. Retardation. What is retardation? Acceleration. What is acceleration? V minus u by t. Correct? Right. Can we use this? No. Why no? We don't know t. तो हम क्या यूज करेंगे फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2j s कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हैं ना क्यों कर सकते हैं v पता है u पता है करेक्ट s भी पता है तो a मिल जाएगा गुड तो 200 का स्क्वायर इज 4 इनटू 10 पावर नहीं 4 200 का स्क्वायर है गुड माइनस इसका स्क्वायर है अपॉन 2 इंटू 10 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर पे ध्यान नहीं दिया तो गए तो ये आ गया आपका 3 बाई 2 है ना ऊपर 3 नीचे 2 ज्यादा सोचना नहीं 3 बाई 2 कितना आता है 1.5 बाकी सारे 10 के पावर ही है वो क्या करेंगे सिर्फ 0 को यहां शिफ्ट करेंगे मतलब 1 और 5 पहले दो डिजिट तो आने चाहिए हाँ तो सॉल्व नहीं करना करोगे तो भी वही आएगा देखो ये क्या है आपका ऊपर न्यूमरेटर में 3 इंटू 10 पावर 3 है नीचे आपका 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 है मतलब 1.5 इंटू 10 पावर ही ऊपर जाएगा तो 4 होगा मतलब 15 इंटू 10 पावर 3 होगा आंसर 3 या 4 जो भी है बिकॉज हियर आई हैड टू राइट 4 सो इट बिकम्स 5 सो इट बिकम्स 4 अगेन तो वैसे भी आंसर 15 ही आएगा ओरली ऐसा ही होता है ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यूज ओके यू हैव टू लुक एट दोस वैल्यूज फाइनल इनिशियल वैल्यूज देखना है आपको यस तो आप बोलोगे आई हैव रिटन रॉन्ग वैल्यूज यस आई नो आई हैव रिटन रॉन्ग वैल्यूज फर्क नहीं पड़ता ना क्यों नहीं फर्क पड़ता व्हाट डज मेक इट एनी डिफरेंस मैंने उल्टा लिखा कि नहीं उल्टा लिखा है मैंने क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है 200 से 100 हुआ मैंने क्या लिखा उल्टा लिखा फर्क क्यों नहीं पड़ता आप समझेगा ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस आता है दैट्स व्हाई आई कैन डू इट इन हरी आल्सो तो यहाँ पे गलती होती नहीं है नॉर्मली गलती कब होगी जब आपको एक में प्लस 15 दिया है एक में माइनस 15 दिया है तो अपॉन 2s तो अब v 100 फाइनल वेलोसिटी इज 100 उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल इज 200 उसका स्क्वायर अपॉन 2 इनटू 10 into 10 power minus 2 meter. Now it is minus 3 by 2 into 10 power 4 or 10 power minus 1 to 10 power 5. So yeah, I got minus 1.5 into 10 power 5. Matlab 15 into 10 power 4 meter per second. So because retardation is negative. If minus 15 or plus 15 is two options, then you have to be very careful. Correct? Clear? Good. You want to note it down? Kar sakte ho, if you want. Next question. A body A starts from rest with an acceleration A1 after 2 seconds. Another body B starts from rest with an acceleration A2 if they travel equal distances in 5th second after the start of A. Kyunki pehli body ne start kiya, correct? With A1 acceleration, 2 second ke baad, 2 second ke baad, second body ne start kiya with acceleration A2, correct? Lekin 5th second mein, kahan se measure kiya? From body A, correct? To second body ke liye 3 hi second hua hai, na?
if they travel equal distance in the fifth second after the start of A, then the ratio of A1 is to A2 will be. क्योंकि यहां पे अगर आपने फिफ्थ सेकेंड मेजर्ड फ्रॉम बी बोला तो गलत हो जाएगा. बी के लिए 3 ही सेकेंड हुए है, ए के लिए 5 सेकेंड हुए. सो दे आर टेलिंग यू इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन फिफ्थ टी एच मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस एन का फॉर्मूला. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ए in fifth second is equal to distance traveled by body B in its third second. So fifth second for body A means third second for body B. ये important है. तो आपको सिर्फ ये इक्वेट करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन? यू ए प्लस ए बाई टू टू एन ऑफ ए माइनस वन इक्वल टू यू बी प्लस ए बी बाई टू टू टाइम्स ऑफ एन बी माइनस वन. यू ए यू बी दोनों जीरो, बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ए A is A1, उसका तो रेशियो निकालना है, by 2, 2 times of 5th second, minus 1, and A2 by 2, 2 into 3rd second, minus 1, तो ये और ये गया, तो A1 upon A2 is equal to 5, है ना, 6 minus 1, 5, 10 minus 1, 5 by 9, शॉर्टकट था? यस शॉर्टकट था. कैसे? ये मेथड वन है. दिस इज हाउ यू सॉल्व, बट यू कैन डू इट क्विकर. हाउ? वी शुड डायरेक्टली नो दैट व्हेन अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एसएन इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू, दैट बेटर, एसएन इज इक्वल टू ए बाय टू टू एन माइनस वन. तो डायरेक्टली डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम है ना. So directly I could have written S5 by S3, body A, body B. हाँ, मैं A और B नहीं लिख रहा हूँ यार. लिखना है तो आप लिख दो. ये A body है, ये B body है. Correct? Acceleration A1 है पहले का, दूसरे का, और by two cancel कर दिया. Two into five minus one, minus one, और two into three minus one. ये तो इक्वल ही बोला है तो ये कैंसल हो गया, वन आ गया तो मिल गया ना. तो वन इक्वल टू ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू इंटू नाइन बाई फाइव. तो ए वन बाई ए टू आपको यहां से मिलेगा 5/9. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व बाय मेथड टू, बिकॉज ये भी फास्ट होता है. गुड. सो इफ यू वॉन्ट टू नोट नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle starts from rest. रह गया था क्या लिखना? You want to note it down? No, no problem. लिख लो, कोई issue नहीं है. So what I am expecting is, जब मैं problem बता रहा हूँ, problem बताने के बाद अगर कोई trick है, you can just make a note of it quickly. क्योंकि ये सारा का सारा data मोबाइल एप्लीकेशन में जाता ही है, तो ये आपको वहां पे अवेलेबल है. ओके सर, ये अपन ने कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए यूज किया है? नहीं, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है ना. a1 h2 a2 का तो रेशियो निकालना है. अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता तो डायरेक्टली s प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1 होता. ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो इसलिए मैंने u लिखा नहीं. नेक्स्ट हाँ, यूनिफॉर्म के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो बॉडीज है ना, तो पहले का अलग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दूसरे का अलग. अगर दोनों का सेम होता तो फिर आप ए नहीं लिखते, मतलब लिखते हो लेकिन व्हेन यू टेक रेशियो इट कैंसल्स आउट. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
accelerates at 2 meter per second square for 10 seconds, then goes with constant speed for 30 seconds, then deaccelerates at 4 meter per second square till it stops. What is the distance traveled by it? Such questions are best if solved with the help of graph, and otherwise your brain should work like computer. देखो क्या है आंसर 750 आएगा क्यों आएगा आई टेल यू इफ यू व्हेन यू रीड क्वेश्चंस एंड इफ यू ऑलरेडी हैव प्रैक्टिस्ड अलॉट दिस इज अ वीटी ग्राफ है ना पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यहां से स्टार्ट किया एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 v इक्वल टू 2 इनटू 10 v इक्वल टू u प्लस 80 u 0 a कितना 2 करेक्ट t कितना 10 2 इनटू 10 इज 20 मतलब ये आ गया 20 ये आ गया आपका 10 सेकंड्स तो थोड़ा सा 10 सेकंड को मैं यहां पे शिफ्ट करता हूं तो दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन पार्ट ए पॉइंट तक फिर क्या बोला है फिर उसी स्पीड विद द सेम स्पीड मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 सेकंड तक चलता रहा सो इट इज गोइंग 30 सेकंड्स ओके सो सो 10 प्लस 30 इज हाउ मच कितना है 10 प्लस 30 40 उसके बाद देन डीएक्सेलरेट्स विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब तक रुकता नहीं है तब तक अगर आपको बेसिक्स पता है तो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ दिस लाइक दिस एंड आपको पता होगा द थिंग इज कहां से स्टार्ट हुआ था जीरो से मैक्सिमम स्पीड कितना 20 हमने पहले भी क्वेश्चन 0 टू 6 1 सेकंड में तो 6 टू 0 1 सेकंड में करेक्ट इफ एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन आर सेम करेक्ट एक्सेलरेशन 2 है डीएक्सेलरेशन 4 है कैन यू कनेक्ट सम फॉर्मूला व्हिच रिलेट्स ए एंड टी ए एंड टी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी करेक्ट ओके v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेलरेशन जब आप फाइंड करते हो दैट इज बेसिकली v बाई टी करेक्ट राइट गुड तो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर इज v भी कांस्टेंट है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है 20 व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर इज a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या a1 by a2 is equal to t2 by t1 where t2 is time of deacceleration तो a1 a2 into what is a1 2 what is a2 what was t1 तो do you notice something 5 second may the vehicle will come to rest in 5 seconds if deacceleration is double of acceleration. Correct, na? Ha. So this is where you need to understand ki jab deacceleration double logical hai. Aapne jitne rate se gaadi ka speed change kiya tha usse double rate se aap gaadi ka speed kam kar rahe ho. इसका मतलब क्या होता है दैट दिस ग्राफ नीड्स टू बी करेक्टेड दिस मीन्स दिस पार्ट ओवर हियर विल फॉल शार्पर 10 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स एंड हाउ मेनी सेकेंड्स फॉर जीरो अगेन 5 तो यहां पे ये आएगा तुम्हारा 5 सेकेंड मतलब ये कितना हो गया 45 करेक्ट दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक एक्सेलरेशन 2 था डीएक्सेलरेशन 4 है
मतलब ज्यादा रेट से स्पीड कम हो रहा है। अगर 10 सेकेंड में जीरो से मैक्सिमम गया तो मैक्सिमम से जीरो के लिए यहाँ पे 5 ही सेकेंड लगेंगे बिकॉज द डी एक्सेलरेशन इज डबल ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। तो ओरली कैसे होता है क्वेश्चन, क्या चाहिए डिस्टेंस। व्हेन यू आर जस्ट ड्रॉइंग द ग्राफ इमीडिएटली 2 meter per second square 10 v equal to u plus vt, v equal to 80, 2 into 10 20, maximum speed is 20. Pehla part mil gaya, half base into height. How much is this distance? 10 into 20 by 2 matlab 100. This is simple. Ye 30 hai, 40 minus 10 is 30 into 20 matlab kitna 600, 700 to yahi ho gaya. Ho gaya good. Ye this is how much, half base into height, height is 20 by 2, 10 into base is 5, kitna 50, 100 plus 600 plus 50 kitna 750. Exactly. To agar aapka a 10 hai, in case mein 2 hai, और अगर डी एक्सेलरेशन भी 2 है तो ये 50 सेकेंड्स हो जाएगा, मतलब 10 सेकेंड्स टू एक्सेलरेट, 10 सेकेंड्स टू डी एक्सेलरेट। डी एक्सेलरेशन डबल है तो टाइम हाफ होगा, डी एक्सेलरेशन अगर हाफ है तो टाइम डबल होगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो ये 20 स्पीड v equal to u plus 80, rest start किया 0, a की value कितनी 2, t की कितनी 10, तो कितना 20, तो 20 meter per second is the maximum speed, correct? Okay, ऐसा एक और question लिया है मैंने, it will be, I don't know if we can do it today, but definitely we have to do that. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस डोंट यूज एनी काइनेमेटिक इक्वेशन, क्योंकि टाइम जाएगा आपका। फिर आप क्या करोगे, हर एक के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन से एस निकालोगे, पहले पार्ट के लिए एस, पहले 10 सेकंड के लिए एस, फिर 10 टू 30 के लिए एस, फिर 40 टू 45 मतलब लास्ट 5 सेकंड के लिए एस, फिर एस इक्वल टू एस1 प्लस एस2 प्लस एस3। तो ग्राफ ही कर लो बेटर है ना, बहुत फास्ट होगा। Good. I will leave it as an assignment because it is related to something that we just did. And this assignment, of course, ye PDF aayega, usme aa jayega. So you can have this question for yourself. Okay. A balloon rises from rest. A balloon. There is a balloon which is rising from rest with constant acceleration g by 8. A stone is released from this balloon. Iska acceleration yaad rakhna, that is g by 8. A stone is released from it when it has risen to a height h. To jab height h pe balloon pahunch gaya tha, wahan se ek stone ko release kar diya. The time taken by the stone to reach the ground will be what? Again, what I want you to do is think about this question. मैं कल आपसे पूछने वाला हूं, क्यों? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्या बताया था मैंने आपको, what is the time taken equation, क्या आया था, under root of 2h by g, correct, correct? तो सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक कि ये ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है? बलून इज एक्सेटिंग एस जी बाय 8, वो जो हमने लिखा t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 h बाय g, दैट वाज फॉर हां दैट वाज फॉर फ्री फॉल, दैट इज करेक्ट, बट दैट वाज फॉर a इक्वल टू g, यहां पे a इक्वल टू g बाय 8 है। तो कैन वी एक्चुअली राइट t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 h बाय g बाय 8, एक जी के जगह पे सिर्फ जी बाई एट डाल दिया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे लाए थे आप, डू यू रिमेम्बर कहां से आया था ये, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एट। तो
u तो जीरो, तो g एक जगह पे g बाई एट। तो मतलब बेसिकली आप इफ यू रिप्लेस g बाय g बाय एट, यू हैव t इक्वल टू एट, ऊपर गया एट इंटू टू 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 अंडर रूट ऑफ h बाय g, करेक्ट राइट? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऐसे क्वेश्चंस घाई करके नहीं चलते। क्यों नहीं है? बलून ऊपर जा रहा है तो जो आपने ऑब्जेक्ट रिलीज किया था उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, करेक्ट? सो दैट इज व्हाई यू नीड टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड डोंट बी इन हरी। प्लस 4 एंड माइनस 1 के बीच में यही डिफरेंस है, दैट्स इट राइट? सो थिंक अबाउट इट टुडे। ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्यों आएगा वो आपको पता लग जाएगा। यू ट्राई इट आउट टुडे। ये करवा देता हूं मैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। अ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट मतलब जंप मार दिया, फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, मतलब 50 मीटर तक उसने पैराशूट खोला नहीं, राइट? तो 50 मीटर हम लोग फ्री फॉल मानेंगे। व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डीएक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ही रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट? तो व्हाट यू कैन डू फॉर दिस क्वेश्चन इज, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, मान लेते हैं यहाँ पे ये प्लेन होगा जहां से उसने जंप मारा होगा, करेक्ट? यहां से यहां तक लेट मी कॉल दिस एज h1, 50 मीटर का डिस्टेंस विदाउट फ्रिक्शन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, करेक्ट? बी पॉइंट से आगे ग्राउंड तक, ग्राउंड पे फाइनल स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, इसको h2 बोल देते हैं, करेक्ट? दिस इज h2, वी डोंट नो व्हाट इज h2, डू वी नो? नो वी डोंट नो। आपको पूछा है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, मतलब आपको बेसिकली दे आर आस्किंग यू h1 प्लस h2 दैट इज h, मतलब योर जॉब इज टू फाइंड आउट h2, एंड हाउ डू यू फाइंड आउट h2? कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट h2? h इज s, मतलब एक इक्वेशन जिसमें मुझे s लगने वाला है, s v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। मैं सिर्फ केस 2 के लिए सॉल्व करूंगा बाय द वे। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यू आर सेइंग दिस। डू वी नो v? यस, फाइनल वेलोसिटी पता है क्योंकि मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, मतलब b2 ग्राउंड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस we know that is 3. What is the initial velocity, मतलब at point B? At point B? नहीं. How do you find out velocity at B from the data given for case 1? Free fall है. ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होगा. Free fall है. Just a minute. ये ऑब्जेक्ट को मैंने रिलीज किया मतलब u0, यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद कुछ वेलोसिटी हुआ होगा ना, इट हैज गेन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, करेक्ट? हाँ, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी तो रहेगा। यस, यू आर टेलिंग समथिंग। हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी एट पॉइंट बी? इट इज सिंपल फ्रॉम ए टू बी। यस दर्शन, क्या बोल रहे थे तुम? सेम इक्वेशन। क्यों सेम इक्वेशन? अरे जीरो था राइट। वी मतलब कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। मैं दो केसेस में स्प्लिट कर रहा हूं यहाँ पे, बी पॉइंट पे। ए से बी, ए पे कितना? जीरो। बी पे फाइंड करना है 2, राइट? ए पता है, ए इज जी, जी पता है आपको 9.8। एस कितना है? 50। 50 इंटू 2 100 इंटू 9.8 कितना? 50 इंटू 2 इज 100। 100 इंटू 9.8 कितना? 980।
तो मुझे डायरेक्टली यहां पे I will get rid of this thing from here. V, G, U, B, but initial velocity for case 2 is nothing but VB from case 1. And I will not write this down to confuse you. So I'll just write down this is square 980. ये velocity हम लोगों ने यहां से लाया है. तो VG भी पता है. VG पता है ना? What is VG? 3. 3 square is 9. ये कितना? 980 plus 2. Question. When the parachute opens, it decelerates at 2. Minus 2. Decelerate, इसलिए minus 2. H1 पता था. S मतलब H2 है. क्योंकि हम, we are talking about this case. यहां का हाइट चाहिए ना, इसलिए तो मैंने बी से जी के बारे में बात कर रहा हूं. फ्रॉम बी टू जी वी आर सॉल्विंग. क्लियर यहां तक? राइट? कोई डाउट है? तो यहां से आपको मिल जाएगा एच टू. कैसे? इट इज सिंपल. इट इज वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस. इसको सॉल्व करो. इसको सॉल्व करो. आंसर शुड बी एच टू की वैल्यू क्या आएगी? ये 4 एच टू विद अ नेगेटिव साइन. करेक्ट. क्या आएगा यहाँ पे? 980 माइनस 9, दैट इज 971, है ना? 4H2 वहां गया, ये यहाँ पे आया 971. सो H2 इज इक्वल टू 971 बाई 4. हाउ मच इज दिस वैल्यू? हाँ, हाउ मच इज 971 बाई 4? 293. श्योर? 24. 242 point something. I will take it approximately 243. Right? So H is equal to H1 plus H2. मतलब 243 में आप 50 add करोगे, कितना आएगा? 293. Correct. Right. Why this question was a joke? It was a joke because अल्टीमेटली थोड़ा सा अगर आपको ओरल कर पाओ ना, यू हैव अंडरस्टूड यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. जब मैं अप्लाई करता हूं तो ऑलरेडी मेरे पास कितना आ गया? ये वेलोसिटी का स्क्वायर है. 980 वेलोसिटी का स्क्वायर है. करेक्ट? करेक्ट. तो जब मैं यहाँ पे h2 फाइंड कर रहा हूँ, h2 मेरा ओरली भी 200 के ऊपर जा रहा है ना? 971 by 4. आपने बोला 2924. Whatever it is, greater than 200. Correct? Option में एक ही है greater than 200. तो why will I get this options? हो ही नहीं सकता. तो exact answer की बेची नहीं लगना यहाँ पे. Once you have this idea कि जब मेरा H2 ही 200 के ऊपर जा रहा है, उसमें मैं 50 और add करूँगा. हाँ, तो फिर exact calculation की जरूरत नहीं है हमको. Why should we be doing exact? So this is how you have to solve this question. So case, दो cases में split करो. जहां से jump मारा, जहां पे parachute open किया, एक case. Parachute open करने से ground, दूसरा case. पहले case में height दिया है, पहले case में initial speed पता है, final मिल जाएगा. V square equal to U square plus twice as. तो V square equal to 0 plus twice as. A is 9.8, 2 और वो 50, 50 into 200 into 9.8, 980. खत्म. 980 मिल गया आपको. स्क्वायर है ये. वेलोसिटी का स्क्वायर एट पॉइंट बी इज 980. फिर दूसरे बार वापस वही इक्वेशन यूज करो. डन. हाँ, ये अभी मैंने बताया था. नहीं नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो. हाँ, बी शोज द रियलिस्टिक केस. दिस इज नॉट रियलिस्टिक. व्हाई? एक ही टाइम पे. दिस इज ऑल्सो नॉट रियलिस्टिक. दिस इज ऑल्सो नॉट रियलिस्टिक. सो बिकॉज एक ही टाइम पे वेलोसिटी के मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, तो ओनली बी इज द केस विच इज रियलिस्टिक केस. एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन. वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन, दे आर पैरेलल. द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ कैसे सॉल्व करोगे?
ये अभी जो इक्वेशन यूज किया था ना हमने, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुआ तो v square is equal to twice s, मतलब v square is proportional to s, correct? या फिर हाँ, या फिर आप लिख सकते हो s is equal to v square by 2a, 2a तो constant ही है ना, हाँ, s मतलब y, v मतलब x, और constant तो constant है, y equal to kx square, this graph is a parabola which looks like, see. वैसे एक ही पैराबोला दिया था, दिस इज नॉट, दिस इज पैराबोला, बट ऑफकोर्स दिस इज एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर पैराबोला, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा. ओके, सो व्हाट टाइम इज इट? इट इज 12:05 मोर और लेस. तो वी विल टेक अ पॉज फॉर टुडे, मतलब आज रुक जाते हैं, एंड विल कंटिन्यू विथ more questions and 2D motion tomorrow.